हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बायोग्राफी। पहले तो आप काफी ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा कौन है जिससे दूरियां बनाना चाहती हैं आप? मुझे सबसे ही बनाना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे सबसे दूर रखो भाई। ऑलराइट, इसी के साथ, क्या जरूरी है कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए? आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टैलेंट इज इम्पोर्टेंट, बट अभी जो चल रहा है ना, इफ यू हैव ऑर्गेनिक फॉलोअर्स और एंगेजमेंट आपका अच्छा है, एंड ऑल्सो हैज अ ग्रेट एंगेजमेंट, राइट, तो उससे बेटर तो कोई नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट। उर्फी को चूज करने का बेसिस ये था कि उनके बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट मौका नहीं मिलता है, और अभी तो मेरे पास एक्टिंग ऑफर्स नहीं है, तो अगर कुछ भी अच्छा आ गया तो वही मुझे एक्साइटिंग लगेगा। तो दूरियां या कोई भी प्रोजेक्ट अभी ऑन द वे आ रहा है, तो आप इसीलिए चूज कर रहे हो कि जो आ रहा है अच्छा है, या फिर नहीं? नहीं, जो तो नहीं, नहीं, आई डोंट डू एवरी म्यूजिक, मैं म्यूजिक वीडियोस बहुत कम करती हूँ, बहुत ज्यादा ही कम, मतलब बिल्कुल नहीं करती हूँ एक्चुअली। तो मतलब ऑफकोर्स बहुत सी चीजें होती हैं, मैं और संजय बैठ के डिस्कस करते हैं क्या अच्छा है गाना, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सॉन्ग शुड, यू नो, यू शुड हियर इट एंड यू शुड लाइक इट। सो गाना पसंद आना बहुत इंपॉर्टेंट है।